नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विस्फोटकों से लदी पाकिस्तानी नौका ने पोरबंदर के पास खुद को उड़ाया। वर्ष 2014 की आखिरी रात को गुजरात के पोरबंदर तट से लगभग 350 नॉटिकल मील दूर भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी मछुआरों की विस्फोटकों से लदी एक संदिग्ध नौका को रोका, लेकिन वह नहीं रुकी। लगभग एक घंटे तक कोस्ट गार्ड उसका पीछा करते रहे। इसी दौरान नौका ने खुद को उड़ा लिया। आशंका है कि नौका में 4 लोग सवार थे। उत्तर भारत में लगातार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत समूचे उत्तर भारत में बारिश के कारण ठंड के तेवर तीखे हो गए हैं। दिल्ली में शुक्रवार सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। हालांकि गुरुवार की तुलना में न्यूनतम तापमान में शुक्रवार को 2.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में भी गत 3 दिनों से जारी बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गई। ओवरहेड वायर टूटने से मुंबई लोकल ट्रेन 4 घंटे थमी रही। मुंबई में सेंट्रल लाइन पर आज सुबह ओवरहेड वायर टूटने के कारण लोकल ट्रेन सेवा बुरी तरह प्रभावित रही। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नाराज यात्रियों ने दीवा स्टेशन पर प्रदर्शन किया। यात्रियों द्वारा पथराव और तोड़फोड़ किए जाने के भी समाचार हैं। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ट्रेन सेवा फिर से बहाल होने में करीब 4 घंटे का समय लगा। संयुक्त राष्ट्र में उठेगा सिख विरोधी दंगे का मामला। अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह सिख फॉर जस्टिस ने वर्ष 1994 में भारत में हुए सिख विरोधी दंगे के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का निर्णय लिया है। महेंद्र सिंह धोनी खेल सकते हैं सिडनी टेस्ट। संन्यास के बाद भी अगर परिस्थितियां बनी तो पूर्व कप्तान धोनी सिडनी टेस्ट के दौरान मैदान में उतर सकते हैं। टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने एक हिंदी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि धोनी विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के स्टैंड बाय होंगे। गौरतलब है कि विदेशी दौरे पर एक अतिरिक्त विकेटकीपर को स्टैंड बाय के रूप में रखा जाता है, जो टीम के मुख्य विकेटकीपर को चोट लगने की दशा में टीम में शामिल किया जा सके। रवि शास्त्री के बयान से स्पष्ट है कि अगर सिडनी टेस्ट से पहले साहा को चोट लगती है या वे किसी अन्य कारण से मैच से पहले फिट नहीं होते हैं तो धोनी उनके स्टैंड बाय विकेटकीपर होंगे और सिडनी टेस्ट में खेलेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। और जानकारी के लिए लॉगिन करिए www.webdunia.com।